हाज़िर हैदराबाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जी कोटा ते अमल न थियण ऐं रीजनल ऑफिस कायम करण लाइ शागिर्द सरापा एहतजाज कयल आहिनि। तफ़सील लाइ पेश आहे साकिब कुबर जी रिपोर्ट। पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में सिंध जे 19% कोटा ते अमल दरामद न थियण ऐं पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जे हैदराबाद में रीजनल ऑफिस जे क़ाइम जे लाइ सिंध जे आला तालीमी याफ़्ता शागिर्दनि पारां हैदराबाद प्रेस क्लब साम्हूं एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौके ते शागिर्दनि चयो त पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन पारां 19% सिंध जी कोटा ते अमल दरामद नथो कयो वञे, जॾहिं त कराची ऐं सखर में रीजनल ऑफिसूं हुजण करे हैदराबाद रीजन जे उमीदवारनि खे सखर ऐं कराची जा चकर लॻाइणा पवनि था। रीजनल हिते सेंटर न आहे हैदराबाद में, छो जो हितां जा शागिर्द जेके मीरपुर ख़ासि जे बि आहिनि, हैदराबाद जा दादू जा जेके बि शुक्र आहिनि, उहे सफ़र करे टेस्ट ॾिनी वेंदा आहिनि। फेडरल प्रोसेस कमीशन जेकी जनरल रिक्रूटमेंट उहे कराची वेंदा आहिनि। मुतालबो था कयूं जेके 19 साल जूं सीटूं जेको आहिनि उन साल सिंध में ॾिनियूं वञनि, त छोकिरा जेके पास थियनि था उनखे पंहिंजो हक़ मिले। इहा सिंध खां सेकंड लार्जेस्ट बड़ा सिटी आहे, इसमें FPSC का सेंटर नहीं है। बड़ी दुख की बात यह है कि सिंध की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 19% कोटा है जो हर साल फिल होती है, 14% या 11% होती है, बाकी हमें पूरी कोटा नहीं मिलती। हमारी यही अपील है कि सिंध में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेंटर कायम किया जाए और सिंध की जो कोटा है वो पूरी की जाए। सिंध जी 19% प्रोवाइडेड कोटा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तरफा, वह सिंधन के पूरी दी वे, प्रोवाइड कार्बन कापी दी वे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में वेहन था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर हैदराबाद में ठाया वे, सिंध की 19% कोटा है जी दिनी वे, ना जो असो यो स्ट्राइक जो इस्लामाबाद तक जारी रखी जैसे संघ में हक न सा मिलने। हैदराबाद सिंध जो बो नंबर वो शहर है, जैसे हैदराबाद रीजन में केतरा ही दिला अचन था, जिते पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की रीजनल ऑफिस की सख्त जरूरत है। इन वफाकी हुकूमत समेत सिंध हुकूमत ऐं तालीम दोस्त ऐं सिंध दोस्त धुरियुनि खां मुतालबो कयो आहे त पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में सिंध जे 19% कोटा समेत हैदराबाद में रीजनल ऑफिस जे क़ाइम लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कनि। कैमरामैन अली शेख सां गॾु साकिब कुबर, आवाज़ TV न्यूज़, हैदराबाद।